हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कार जजमेंट के बारे में बताऊंगा। कार जजमेंट के बारे में बताऊंगा मतलब जब हम नए नए कार सीखते हैं या फिर कोई नई कार चलाने लगते हैं, तब हमें हमेशा डर रहता है कि हमारी कार का बोनट सामने वाली कार से टकरा ना जाए या फिर कहीं पे घिस ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे भी पहले मैंने बहुत से टिप्स अपलोड किए हुए हैं, टेक्निक्स बताए हुए हैं कार ड्राइविंग के बारे में, तो प्लीज़ वो जाके देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स के साथ आते रहता हूँ। तो दोस्तों, जब हम नई नई गाड़ी सीखते हैं या फिर कोई हमारे रोज की गाड़ी छोड़कर दूसरी कार चलाने जाते हैं, किसी दोस्त की कार, बड़ी कार चलाने जाते हैं, तब हमेशा हमें फिक्र रहती है कि हमारी गाड़ी का बोनट आगे वाली गाड़ी से घिस ना जाए या कहीं पे ठुक ना जाए, क्योंकि हमें हमारी गाड़ी की आदत लग चुकी होती है और जब हम सीख रहे होते हैं तब हमें आदत नहीं होती है गाड़ी चलाने की। तो दोस्तों, कभी कभी हम सिग्नल पर खड़े रहते हैं लेकिन सामने वाला हट्टा ही नहीं है, या फिर हम ट्रैफिक में खड़े रहते हैं और हमारी वाली लेन क्लियर नहीं होती है लेकिन हमारे राइट साइड वाली या फिर अगल बगल वाली कोई भी लेन क्लियर होती है, तब हमें वहाँ पे जाना होता है लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमारे और सामने वाली गाड़ी के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम जगह छोड़ देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सामने वाली गाड़ी का पिछला टायर हमारे आईने से दिखना चाहिए। इतने अंतर पर हमेशा रुकना है, इतनी दूरी पर हमेशा रुकना है। हमारी कार से सामने वाली गाड़ी का व्हील, चाहे वो गाड़ी बड़ी एसयूवी हो या फिर छोटी गाड़ी हो या फिर सीडान टाइप, डिजायर टाइप या फिर सिटी टाइप, होंडा सिटी टाइप, कौन सी भी गाड़ी हो, उससे हमें उस गाड़ी का पिछला वाला व्हील दिखने पर रुकना है। कुछ इस दूरी पर हमें रुकना है, जैसे कि मैं रुका हुआ हूँ। हमें हमारी गाड़ी से ये ब्लैक पट्टी से यानी कि जहाँ पे हमारा शीशा ख़त्म होता है वहाँ से हमें हमारी गाड़ी का पिछला वाला व्हील दिखना चाहिए। सामने वाली गाड़ी का पिछला वाला व्हील दिखना चाहिए, उस दूरी पर हमें रुकना है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सी जगह बच जाती है। चाहे आपकी गाड़ी का बोनट कितना भी बड़ा हो, चाहे आपकी गाड़ी एसयूवी हो या कोई भी सेडान टाइप हो, उससे क्या होगा कि हम इतनी दूरी पर रुकने पर हमारे पास बहुत सी जगह बचती है। उससे हम आसानी से राइट राइट टर्न या लेफ्ट टर्न आसानी से ले सकते हैं। सिग्नल पर कभी कभी हम सिग्नल पर रुके हुए होते हैं लेकिन हमें जाना होता है सीधा, लेकिन सामने वाले को जाना होता है राइट में, तो वो हट्टा ही नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इतनी दूरी पर जब हम हमेशा रुकेंगे तो हम आसानी से लेफ्ट, हमारी गाड़ी लेफ्ट में लेके टर्न ले सकते हैं, या फिर हम ट्रैफिक में हैं और ये सामने वाला गाड़ी हटी नहीं रही है, सामने वाली लेन क्लियर ही नहीं हो रही है, तो हम दूसरे लेन पर भी आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा गाड़ी रुकाते वक्त, कहीं पे भी रुकाते वक्त हमें इसी दूरी पर कुछ रोकनी है गाड़ी, जिससे कि आपको ना बोनट घिसने की परेशानी होगी, ना ना गाड़ी ठुकने की या फिर ना टर्न लेने की परेशानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गाड़ी के बीच में और सामने वाली गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सा डिस्टेंस रह गया है मेरे और सामने वाली गाड़ी के बीच में। इससे हम आसानी से गाड़ी टर्न ले सकते हैं, आसानी से गाड़ी टर्न ले सकते हैं। इतनी बहुत सी जगह बची हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सी जगह बची हुई है, यहाँ से मैं आसानी से टर्न ले सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों, हमें गाड़ी रोकते वक्त ऐसे ही कुछ दूरी पर रोकनी है। गियर डाल दिया, सिग्नल सिग्नल दे दिया और अब देखो मेरी गाड़ी आसानी से निकल गई है। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी रुकाएंगे तो पिछले वाली गाड़ी का पिछला व्हील दिखने पर, ऐसी दूरी पर गाड़ी रुकाइए, उससे आपको गाड़ी राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों ट्रैफिक रूल्स ना तोड़िए, क्योंकि वो हमारी ही सेफ्टी के लिए होते हैं। और हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।